हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल करो पर। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और उसकी किसी कारणवश अचानक डेथ हो जाती है और उसने अपने अकाउंट में किसी को नॉमिनी भी नहीं बनाया है, तो उस केस में किस तरीके से उसके अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है, कौन कौन उसके लिए पैसा निकालने के लिए एप्लीकेबल हैं, कौन कौन वैलिड हैं, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और उसका पूरा प्रोसेस, कौन सा फॉर्म फिलअप करना है और किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने अपना नॉमिनी नहीं बनाया है तो उसके लिए जो फॉलो होता है वो एक लीगल हायर प्रोसेस बैंक में होता है, उसके लिए यही प्रोसेस फॉलो होता है। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़, ये जो आपकी स्क्रीन पर हैं ये वाली फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे कि इनमें सबसे मेन है, अगर किसी ने नॉमिनी नहीं बनाया बनाया हुआ है तो सबसे पहले वो अपने जो भी उसके लीगल हायर्स हैं उनको सबसे पहले एक काम करना चाहिए, ये वारिसान जो सर्टिफिकेट होता है ये कोर्ट से बनवा लेना चाहिए। ये डीएम ऑफिस से बनता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के डीएम ऑफिस से ये आपको बन जाता है। 15 से 20 दिन का प्रोसेस होता है, जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके 15 से 20 दिन के अंदर ये आपको बन के मिल जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये आपके पास होना चाहिए। इसमें क्या होगा, जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसके बाद जो भी उसके लीगल हायर हैं उन सबका नाम होता है। ठीक है, समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि एक फैमिली है, उसमें हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं। ठीक है, और किसी कारणवश हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो उसके लीगल हायर बचे वो बचे 3 लोग, जो बचे हुए हैं वाइफ और 2 बच्चे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, देखिए फॉर्म पे बढ़ते हैं डायरेक्ट, मैं उसी से आपको समझा दूंगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, ये वाला फॉर्म आपको सबमिट करना होता है, लगभग 15 पेज का ये फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपको फिलअप करके सबमिट करना होता है। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले जिस ब्रांच में आपको ये फॉर्म सबमिट करना है वो यहाँ पर आप ब्रांच नेम डाल देंगे, ब्रांच मैनेजर के नीचे। यहाँ पे एक जो डिसीज, जिसकी डेथ हुई है उसका फोटो, ठीक है, दूसरा एक जो क्लेम कर रहा है पैसे, समझिए वाइफ क्लेम कर रही है इस केस में, तो वाइफ का फोटो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इधर आइए, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यहाँ पर देखिए वाइफ का नाम, जो क्लेमेंट है, जो मेन क्लेमेंट है, जैसे 3 लोग बचे हैं, अब 3 में से मेन क्लेमेंट हम मानते हैं वाइफ है। ठीक है, तो देखिए उसका वाइफ का नाम यहाँ पे आएगा, एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर आपको सबमिट करनी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जिनकी डेथ हुई है उनका नाम आ जाएगा, डेट ऑफ डेथ आ जाएगी, फिर से उनका नाम आ जाएगा जिनकी डेथ हुई है, डेट ऑफ डेथ आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फिर से यहाँ से भरने की जरूरत नहीं है, दोबारा से बार बार भरने की जरूरत नहीं है, एक बार हो गया काफ़ी है। यहाँ पर आप देखिए नेचर ऑफ अकाउंट, जो भी अकाउंट है, जैसे कि एफडी अकाउंट है तो आप यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट लिख देंगे। ठीक है, आपको ये सब मैनुअल बनना है। इस फॉर्म का लिंक, पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर करें और यहाँ इसे मैनुअल भर के सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देंगे आप, जो भी अकाउंट नंबर है आपका, यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देंगे, जो भी अमाउंट आपका बैलेंस आपकी नॉलेज में है उनके अकाउंट में वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जो फाइनल अमाउंट है वो बैंक यहाँ पर डालता है, जो भी अमाउंट होगी विद इंटरेस्ट यहाँ पर आप बैंक डाल देगा बाद में। आगे बढ़ते हैं, अगर देखिए लॉकर है उनके नाम से तो आप लॉकर भी इसी में क्लेम करेंगे, यहाँ पर लॉकर नंबर वगैरह लिख देंगे। ठीक है, अगर लॉकर नहीं है तो आगे बढ़ते रहेंगे, इनको सबको छोड़ देंगे, ये सब छोड़ देंगे क्योंकि आपके पास वारिसान है। ये विल के केस में आपको सबमिट करना है, ये सक्सेशन सर्टिफिकेट के केस में आपको भरना होता है, लेकिन यहाँ पे वारिसान है तो हम आगे बढ़ेंगे, ये भी छोड़ देंगे। अब आ जाइए यहाँ पर डेट ऑफ डेथ एंड प्लेस, यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे, डेट ऑफ प्लेस एंड डेथ लिख देंगे, डेथ सर्टिफिकेट नंबर, एक डेथ सर्टिफिकेट आपके पास होगा, डेथ सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर एज कितनी थी उनकी और ये स्टेटस क्या था, मैरिड अनमैरिड विडो जो भी थे, परमानेंट एड्रेस, रिलीजन क्या था, ये सब डाल देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए इसमें देखिए यहाँ पर आ रहा है नेम, रिलेशंस, एज ऑफ लीगल हायर्स ऑफ द डिसीज, देखिए जो बचे हुए लोग हैं उनका यहाँ पर नेम लिखना है वन बाय वन करके, जैसे यहाँ पे 3 लोग हैं तो तीनों का नाम यहाँ पर लिख देना है, एज, उनके साथ क्या रिलेशन है, जैसे कि एक वाइफ है, दूसरा बेटा है, तीसरी बेटी है, तो यहाँ पर लिख देंगे, उनका एड्रेस हम डाल देंगे। और देखिए मेन इंपॉर्टेंट ये है, वेदर एग्जीक्यूटिंग लेटर ऑफ डिस्क्लेमर यस और नो, तो देखिए जैसे कि डिस्क्लेमर का लेटर जो जो साइन करेगा उसको यहाँ पर हमको यस करना है और जो नहीं करेगा उसको नो करना है। जैसे कि वाइफ यहाँ पे मेन क्लेमेंट है तो डिस्क्लेमर का डिस्क्लेमर में जो हम लिखेंगे उनके में यहाँ पर नो लिखेंगे कि वो
इस लेटर को एग्जीक्यूट नहीं कर रही हैं, जो बचे हुए लोग हैं दो वो इस लेटर को एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो यहाँ पर हम यस कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों में से कोई माइनर है क्लेमेंट, कोई भी क्लेमेंट माइनर है, तो उसका डिटेल हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए विटनेस का डिटेल आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, जो विटनेस के सिग्नेचर यहाँ पर आएंगे, जो भी कोई विटनेस आप दे रहे हैं, इसमें क्या श्योरिटीज देनी होती हैं आपको। कोई एक विटनेस आपको यहाँ पर साइन कर देगा और वो डिक्लेयर करेगा कि जी हम इनको 10 साल से या 5 साल से पिछले जानते हैं, तो जो भी यहाँ पर कोई भी विटनेस होगा आपका जानने वाला, वो यहाँ पर अपने साइन करेगा और डाल देगा, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स डाल सकता है कोई भी। यहाँ पर देखिए नेम ऑफ श्योरिटी, नेम ऑफ श्योरिटी मतलब वही आपका जो विटनेसेस हैं वो यहाँ पर अपना नाम एड्रेस और नेटवर्थ अपनी लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते रहेंगे, ये कुछ नहीं करना। नेम ऑफ क्लेमेंट, यहाँ पर अपना क्लेमेंट जो, जैसे कि इन तीनों लोगों में से मदर क्लेमेंट है, तो यहाँ पर क्लेमेंट का नाम लिख देंगे, मदर का नाम लिख देंगे, और वाइफ जो है, और यहाँ पर अपने वो सिग्नेचर करेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पूरे पेज को आप छोड़ देंगे, केवल ऑफिस यूज के लिए है, 6 नंबर पेज। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये है लेटर ऑफ डिस्क्लेमर। लेटर ऑफ डिस्क्लेमर में कौन साइन करेंगे, कौन लोग साइन करेंगे, इसमें केवल जो दोनों बचे हुए बच्चे हैं, जैसे कि वाइफ और दो बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे इस लेटर को साइन करेंगे अपना। ठीक है, देखिए यहाँ पर उन दोनों बच्चों का नाम आ जाएगा, यहाँ पर उनकी एज और यहाँ पर उनके सिग्नेचर आ जाएंगे। इस तरीके से नाम, एज एंड सिग्नेचर्स आपको पुट करने हैं। यहाँ पर देखिए क्लेम, ये डिसीज का नाम, जिसका जो डिसीज हुए हैं उनका यहाँ पर नाम लिख देना है, जिनकी डेथ हो गई है। ठीक है, अकाउंट नंबर, नाम, बैलेंस वगैरह जो भी आपकी नॉलेज में वो सब लिख सकते हैं, और अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। और एक बड़ी बात, ये जो लेटर ऑफ डिस्क्लेमर बनेगा या 50 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर के साथ नोटराइज होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोटरी पब्लिक मजिस्ट्रेट, ये नोटराइज किया जाता है 50 रुपये के स्टैम्प पेपर के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक एफिडेविट बनता है, एफिडेविट किन के लिए बनता है, जो श्योरिटीज होते हैं, विटनेसेस होते हैं, उनके लिए बनता है। देखिए यहाँ पर दो इसमें ये लगते हैं, विटनेसेस लगते हैं, एक फर्स्ट नेम इसमें आ जाएगा और सेकेंड नाम इसमें आ जाएगा, और वो सब का नाम जो क्लेमेंट है और जो डिस्क्लेमर्स हैं, तीनों का नाम इसमें लिखा जाएगा। एज, रिलेशनशिप विद डिसीज्ड, जैसे कि एक वाइफ, सन, डॉटर, यहाँ पे लिख सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दोनों जो विटनेसेस हैं वो यहाँ पर साइन करेंगे अपने, और ये भी 10 रुपये के स्टैम्प पेपर के साथ में, 10 रुपये के स्टैम्प पेपर के साथ में ये भी नोटराइज किया जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ देखिए नोटराइज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेटर ऑफ इंडेमनिटी, ये लेटर ऑफ इंडेमनिटी केवल एक तो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनता है। दूसरा, ये लेटर ऑफ इंडेमनिटी केवल और केवल बनाया जाता है क्लेमेंट के द्वारा। जैसे कि इसमें क्लेमेंट कौन है, वाइफ है, तो वाइफ केवल इसको सबमिट करेंगी, यहाँ पे वाइफ का नाम आ जाएगा। ठीक है, और जो भी कितने रुपीज वगैरह वगैरह है ये सब बैंक डाल देगा इसमें। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उनके साइन आएंगे वाइफ के, जो क्लेमेंट है मेन क्लेमेंट, और यहाँ पर जो दोनों विटनेसेस हैं, श्योरिटीज हैं, वो यहाँ पर साइन करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ओपिनियन रिपोर्ट ऑन श्योरिटी, ये बैंक का काम है। ठीक है, इसमें क्या है, श्योरिटी का जो नेटवर्थ निकालना होता है। एक बात और, जैसे कि समझिए कि इस केस में 10 लाख रुपए उनके बैलेंस है, तो जो श्योरिटीज होते हैं, जो विटनेसेस होते हैं, उनको कोई भी अपनी प्रॉपर्टी का पेपर, कोई भी फिक्स डिपॉजिट, कोई भी ऐसा अकाउंट स्टेटमेंट शो करना होता है जिसमें कि आज की डेट में नेटवर्थ 10 लाख रुपए हो एटलीस्ट, और वो दो लोग दे सकते हैं। ठीक है, उनका यही ओपिनियन रिपोर्ट है, ये ओपिनियन रिपोर्ट बैंक बनाता है। यहाँ पर उसमें श्योरिटी के सिग्नेचर होते हैं, उनका जो भी हिडन एसेट्स है, जो भी मतलब उनके पास एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, सबके यहाँ पर लिखा जाता है कि कौन कौन कितने कितने रुपए की चीज़ें हैं उसके पास। उसके बाद बैंक कैलकुलेट करता है उनका नेटवर्थ, और यहाँ पर उसको श्योरिटी को साइन करने होते हैं। ये इसका बिल्कुल मैंडेटरी पार्ट है, इसके बगैर ये क्लेम एक्सेप्ट नहीं होता बैंक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर लॉकर है तो लॉकर में यहाँ पे आप डिटेल डाल देंगे लॉकर वगैरह की, अगर आपको लॉकर भी इसके साथ में क्लेम करना है तो सब लॉकर वगैरह का यहाँ पर आपको डिटेल डालना होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए सिग्नेचर कर देंगे तीनों लोग, जो डिस्क्लेमर और क्लेमेंट है मेन, तो सब लोग सिग्नेचर अपने कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये छोड़ देंगे आप, ये छोड़ देंगे, ये उसके आर्टिकल के उसमें है, रेफरेंस में अगर आर्टिकल है तो ठीक है। लास्ट है यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर रिवेन्यू स्टैंप लगा करके 1 रुपये का रसीदी टिकट, उस पर आप क्रॉस साइन कर देंगे, ठीक है। क्लेमेंट जो है यहाँ पर लगा करके एक साइन कर देंगे यहाँ पर, ये रिसिप्ट का है कि हमने मतलब पैसा रिसीव किया। इसमें बैंक बाद में अमाउंट सबमिट कर देता है, लेकिन रिसिप्ट का ये वाला आपको पहले ही सबमिट करके पहले ही बैंक में सबमिट करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से देखिए फॉर्म फिनिश हो चुका है। इस तरीके से आप घर बैठकर इस वीडियो को देखकर अपना फॉर्म सबमिट फिल कर सकते हैं और बैंक में एक ही विजिट में अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।